नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देखिए एसएम न्यूज। दिल्ली कहा माना जाता है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और इसका प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार ने ओड इवन स्कीम चालू की है। आज हम लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या इस स्कीम से वाकई में दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो सकती है? नहीं, इस स्कीम से नहीं हो सकती। बहुत सारी वजह है पॉल्यूशन की, खाली ऑडिबन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या लगता है क्या कारण है जिससे नहीं हो सकती? तमाम सारे मतलब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, डस्ट वगैरह निकलती है जी। और भी पॉल्यूशन के व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है जी। इसकी वजह से खाली ये जो है ऑडिबन से कोई तो पिछली बार भी लगाया था, कोई खास गिरावट नहीं समझ में आई, कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं आई, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी कि इससे कम हो जाएगा। ऑड इवन तो मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ रहा है, क्योंकि देखिए कल दिवाली थी, पटाखे के लिए मना किया लेकिन जलाया तो फिर भी ना पता नहीं, जैसे पटाखों के लिए मना किया था लोग नहीं माने, ऑड इवन में भी इतना कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला क्योंकि अब खराब हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कुछ फर्क से, बस पब्लिक को नुकसान ही नुकसान है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात बुरे हैं और हाँ, एक फ़ायदा होता है सड़कों पर ट्रैफिक थोड़ी कम रहती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। मेरा मानना यह है कि ऑड हो चाहे इवन, गाड़ियों का इस्तेमाल तो उतना ही हुआ जा रहा है और अगर दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करना ही है तो उसका एक बेसिक सा सॉल्यूशन है, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाए। जितना आप अपनी निजी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल उसी से होगा। आते मैडम कुछ नहीं होगा दिल्ली में, जो चीज़ जैसी है वैसी रह के आते, पटाखे मत फोड़ो, पॉल्यूशन नहीं होगा। पटाखे बैंड भी हुए ब्लैक में, कितने बिक रहे आप देख रहे हो, पोल्यूशन आपके सामने है, क्या हाल है। ऑडिबन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं, आपको क्या लगता है क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? मैडम चलने वाले सब चलेंगे, लोग वैसे स्टिकर लगा के चलेंगे नॉर्मल। अच्छा। डीजल गाड़ियों पे स्टिकर लिया था लाने वाले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी फर्क पड़ेगा क्योंकि जे जड़ियाँ अपनिया ने गाड़ियाँ ने जड़िया सी एन जी है ये चलेंगी तो इनका पोल्यूशन कम होता है। डीजल की गाड़ियाँ कई हैं उसमें उनके पोल्यूशन ज़्यादा, ऑडी वन से काफ़ी फर्क पड़ेगा, कम से कम 40-35-36% तो फर्क पड़ ही जाएगा। दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो सकती है? नहीं, बताइए। तो उससे साधन कम थोड़ी हो रही है मैम, पॉल्यूशन तो गाड़ियों का डीजल गाड़ियों से हो रहा है। नहीं होगी क्योंकि कोई ये पेड़ का कूड़ा होता है इंडमिसिबल जला देते हैं, पड़ा हुआ गंदगी बहुत ही बहुत से वैसे ही जला देते हैं सब, फिर डीजल की गाड़ी है बहुत हैं तो इसलिए नहीं होगा। फ़र्क नहीं पड़ता है, फर्क क्या है, गाड़ियां और बढ़ जाती है रोड पर, जिसके पास ईवन है ऑडी नहीं है वो फिर कोशिश करता है यार मैं ईवन ले लूँगा या ऑडी ले लूँगा, तो उससे ट्रैफिक और बढ़ जाता है, पॉल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। I think it's a very good idea because until and unless it is imposed, people do not understand. So once you impose it, you automatically see the traffic on the roads, it goes down. And even if you can use metro, people do not use. So they will be pushed to use a metro and obviously the traffic will come to half and automatically the pollution will also come half. It's a very good idea. Actually, it is a very good idea and pollution will be very less after odd even. So I think it should be there for some time. हाँ बिल्कुल हो सकती है और हमें सबको मिलके एक साथ कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए और जो सरकार जो भी गवर्नमेंट वॉट एवर स्टेप इट इज़ गोइंग टू टेक वी शुड अप्रिशिएट इट एंड जो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी करेंटली इंडिया का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से दिल्ली है, तो ऐसे में तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक सम क्रूशियल स्टेप, सो डेफिनेटली यस। Audiban is a very good step by the government, but in the future if the government is going to continue this, will be much better for the Delhiites, because as you see that there are a lot of pollution which is here in Delhi, and we are facing a day-to-day problem with the pollution. So it will be very good if the government will take the further step for in the future also. चांसेस है, मतलब आप 100% तो किसी चीज़ को नहीं बोल सकते, अभी दिए जो सबसे चांसेस है, हर जगह चांसेस है, तो और भी नहीं से ये चांसेस है कि थोड़ी सी तो कम होगी कम से कम पोल्यूशन, और थोड़ी सी कम पोल्यूशन होगी तो थोड़ी सी सांसें आपको शुद्ध मिलेगी, वातावरण थोड़ा सा शुद्ध हो जाएगा आपका, आप अच्छे सांसें ले सकते हो कम से कम, तो ये सही है, होनी चाहिए ऑडिबिन होनी चाहिए, और थोड़ी ट्रैफिक भी कम होगी तो आप आराम से जा भी सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों आपको क्या लगता है क्या कारण है जिसकी वजह से फर्क नहीं पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा, हर गाड़ी में धुआं निकल रहा है, कहीं चाहे बड़ी चाहे छोटी है,
जब स्पीड में गाड़ी भागे तो धुआं और देती स्लो चलेगी धुआं कम देगी और ये जिसमें 15 दिन में क्या होगा कुछ नहीं होता ये तो लगातार चलता तब जाकर फर्क पड़ेगा। पोल्यूशन फ्री होगी और हम चाहते हैं कि सारे इसको फॉलो करें। वो गाड़ी कम चलेगी ना फोर व्हीलर कम चलेगी तो फर्क पड़ता है पूरे तरह तो नहीं होगा कुछ हो सकता है उसमें कुछ उसके आने से कुछ तो फ़र्क पड़ेगा जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था क्योंकि टोटली जब बस गाड़ी रोड पे आती हैं तो उससे पोल्यूशन में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है जब गाड़ियां कम चलेंगी और फिर ओडी वन के नंबर से चलेंगी तो उससे काफ़ी फर्क प्रभाव पड़ेगा जो कि काफ़ी अच्छा है जो हमारे शरीर के लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में इफेक्ट कर रहा है और जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। क्या कारण है आपको लगता है? प्रदूषण बहुत है, एक तो पोल्यूशन बहुत है, मतलब हर चीज़ का पोल्यूशन है, फैक्ट्री का पोल्यूशन है, मतलब गाड़ियों का है, सब चीज़ का है, तो इससे ऑडी बन पैसे नहीं हो पाएगा। दिल्ली इज़ वन ऑफ द हाईली पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड एक्चुअली सो दिस टाइप ऑफ स्कीम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यस्टरडे वी सॉ यस्टरडे वाज़ दीपावली सो दैट मच ऑफ पोल्यूशन वी कैन सी नाउ ऑन वेज हियर वी कैन सी द स्मोक एंड एवरीथिंग सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज बिकॉज वी नो दैट द ट्रैफिक इज वेरी हाई एवरीथिंग इज वेरी हाई so we have to reduce any other way so alternative methods are we need that so that's why ODI-1 method is important good I think the winter is coming so that like the pollution may increase so far so I think the better policies like ODI-1 should be implemented so that the pollution will get decreased so now also we have used the smart bike just now and we have now so the we so by using these methods like smart bikes ODI-1 rule and all we can reduce the amount of pollution that's what I think ye odd even wala scheme bahut acha hai isse kafi pollution kam hone ka last year kam hua tha is saal bhi kam ho jayega and it's a good scheme yeah definitely ab roads pe if vehicle will be reduced pollution to kam hoga polluting factor is jahan pe vehicles congestion zyada hota hai so you know because we don't have that culture as of now ki hum log कंबशन बंद कर दे इंजन ऑफ कर दे जब आप किसी जगह हॉल्ट कर रहे हो बीट सिग्नल बीट ट्रैफिक जाम तो अगर ऑटोमेटिकली व्हीकल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स विल रिड्यूस कंजेशन विल रिड्यूस ट्रैफिक कम होगा तो ऑब्वियसली वो जो कलेक्टिव फ्यूमिकेशन होता है वो कम होने की पॉसिबिलिटी है सो सर्टनली दैट विल ऐड टू दी ऑल द एफर्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन सेकेंडली अगर किसी भी तरीके से हम लोगों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने का हैबिट कल्टिवेट कर पाते हैं तो इट्स वेरी गुड इन लॉन्ग टर्म इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू नो अपेरेंटली वी मस्ट रियलाइज कि एब्सेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ वॉट लीड्स टू you know inducing this habit of using private transportation which is not good for anyone be it economy be it community in the sense of increasing private usage or in general the environment so I think obviously this is a very good initiative it should go on and free to nahi ho sakti aapko kya lagta hai kyun nahi ho sakti bhai itna pollution hai delhi mein kaise hogi इतना प्रदूषण अगर दिल्ली में रहेगा तो कैसे होगी बेटा हाँ इस स्कीम से दिल्ली पोल्यूशन फ्री तो नहीं हो सकती है क्योंकि ऑड इवन भी रहेगा तो अभी ट्रैफिक तो उतना ही रहता है मार्ग जो लोग गाड़ी एक नहीं यूज़ करते वो दूसरी यूज़ करते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला के बारे में अभी पूर्णतः ये नहीं कहा जा सकता कि इससे पोल्यूशन फ्री होगा मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये ट्रैफिक पर थोड़ा बहुत अंतर आता है कि ट्रैफिक सड़कों पर कम नज़र आता है लेकिन पोल्यूशन पे ऐसा जैसा कोई प्रभाव पड़ता है अभी तक तो नहीं लगा है लेकिन हाँ किसी भी स्टेप को मतलब एक नेगेटिव नज़रिए से नहीं देखना चाहिए केजरीवाल के आप आलोचक हो सकते हैं समर्थक हो सकते हैं मोदी के आलोचक हो सकते हैं समर्थक हो सकते हैं लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है कमियाँ होंगी तो उस रूप में उसको देखा जा सकता है अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी रात इतने पटाखे चले इतना पोल्यूशन हुआ तो कहीं ना कहीं सिस्टम की चीज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रहता है तो ये है कि ODI-1 से एज सच कोई फ़ायदा होगा वो मुझे नहीं लगता लेकिन एक उस दिशा में एक सोचा एक प्रयास किया वो अच्छी बात है गलत है या सही है ये एक बात का विषय है ये कि जो लोगों को डेली ऑफिस जाना है उनको प्रॉब्लम होगी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक ही गाड़ी है
बेशक ये लोग मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई पर्सनली अपने में जाना चाहे तो वो उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना, मेन चीज़ यही है। हो सकती है, काफ़ी हद तक हो सकती है। ऑफ कोर्स इट कैन कम डाउन बिकॉज ऑफ इफ द व्हीकल्स विल बी लैक इन द ऑन द रोड डेफिनेटली पॉल्यूशन विल हो सकती है, क्योंकि जितने भी गाड़ी ज़्यादा हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ निकालनी है, बंद होनी चाहिए। का बहुत ही ज़्यादा वो बेनिफिट मिलेगा। दिल्ली में धुआं इस तरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बोला उस पटाखे के लिए, लोगों ने रात भर पटाखे छुटाए, पिछली बार तो बहुत कम था। नहीं, वैसे ही दिल्ली में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, तो इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। आपको क्या लगता है क्या कारण है जिससे पॉल्यूशन फ्री नहीं होते? एक्चुअली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बाकी हम नॉर्मल गर्मियों में एसी वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी हमारे फ्रिज वगैरह भी उनसे भी सीएफसी वगैरह निकलती है, वो भी इफेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं। बाकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में, बंदे आजकल मोटरसाइकिल की जगह कार ही खरीद लेते हैं, 1-1 लाख रुपये में कारें मिल जा रही है सेकेंड हैंड, तो कोई ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। मुझे तो नहीं लगता इससे दिल्ली पॉल्यूशन फ्री होने वाली है। देखो, आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते, प्रयास कर सकते हो। अब यहाँ बात आ जाती है इंसानियत की और एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर, जब तक वो नहीं रुकेगा जब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा डिपेंड हमारे पर डिपेंड करता है। ये पॉल्यूशन तो दिल्ली फ्री हो सकती है, और इस बीच में आप चाहे तो अगर गाड़ी अगर वैसे चलने लगे तो भाई वाकई में पूरा दिल्ली का मतलब वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। टू सम एक्सटेंट पॉसिबल है, ऑड इवन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आई थी। लास्ट अटैम्प्ट जब हुआ था ऑड इवन का, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, तो मुझे लगता है कि टू द सम एक्सटेंट कुछ हद तक, बिकॉज इसकी एक यहाँ पे एक लूप होल भी ये निकल जाता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऑड इवन के वक्त में अपने पास नई नई गाड़ियाँ ले लेते हैं। अगर ऑड है उसके पास इवन नहीं है तो वो इवन नंबर की भी गाड़ी ले लेता है, सो दैट इससे कहीं ना कहीं प्लान को सक्सेसफुल होने में दिक्कत होती है। बट आई होप और आई विश कि ये मतलब दोबारा आए और ये सक्सेसफुल होगा। दैट रिलीजन इज़ अ पर्सनल इशू, ये एक बहुत पर्सनल चीज़ है कि आप किस चीज़ पे फेथ करते हो, क्या चीज़ सही है, और जैसे ये पब्लिक डोमेन में आता है इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। सो ऑब्वियसली अगर रिलीजन पब्लिक डोमेन तक भी आना इतना डेट्रीमेंटल है, तो आप जब उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हो तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। तो ऑब्वियसली आई थिंक रिलीजन शुड बी रिमेन पर्सनल, इट इज़ गुड फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग फॉर द पर्सन हु इज़ फॉलोइंग इट। एंड अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एनीथिंग विच सर्व्स पीपल एट लार्ज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन समथिंग विच सर्व्स अ यू नो पर्सनल इंटरेस्ट। Yeah, it could be anything which is of public interest but not of an individual interest or a private interest. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।